स्वागत है और मैं दिखाती हूँ सर आज क्या करने लग रहे हैं, सुबह सुबह किस चीज का ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। देख लो फ्रेंड्स, सर का ब्रेकफास्ट सुबह सुबह लग रहे हैं, इतने गन्नों का काम कर लिया इन्होंने और साइड में कितने गन्ने रखे हुए हैं। इनका गन्ना दिख जाए, इनका गन्ना इनका फेवरेट है और टचबूट भगवान की दया से इनके दांत सही है। मुझे तो कुछ कुछ होने लग जाता है गन्ने देखकर, अब मेरा काम बढ़ गया है, ये सफाई करनी पड़ेगी क्योंकि सफाई तो हो चुकी थी पहले। छुट्टी है था, सर इंजॉय कर रहे हैं, बाहर देखो धूप भी अच्छी निकली हुई है, छुट्टी का एंजॉय कर रहे हैं। गन्ने मिल गए हैं इनको, बस इनको और कुछ नहीं चाहिए गन्ने मिलने के बाद। ये पानी की मोटर साथ में चल रही है, जो आपको आवाज़ आ रही है ना वीडियो में, बीच में पानी की मोटर चल रही है इसलिए ये आवाज़ आ रही है। सर ने अपने गन्ने खा लिए हैं, अपना काम ख़त्म कर दिया है, अब मेरा काम शुरू हो गया है ये सफाई करने का। इनको तो बस गन्ने दिख जाए, बाद में ही नहाऊंगी मैं, एक बार सफाई कर देती हूँ। वैसे सफाई हो गई थी मेरी, मैं इसको बाहर डाल दे, अब आएगा सीपर आएगा, बाहर रख देती हूँ इसको मैं, अभी नहाने जाऊंगी साफ करने के बाद। नाली हूँ फ्रेंड्स, बाल सुखा लेती हूँ अपने, बाद में किचन में जाती हूँ क्योंकि मुझे कोल्ड भी जल्दी ही हो जाता है और मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है, गीले बालों को रखना तो ठीक नहीं होता। फटाफट सुखा लेती हूँ अपने बाल। ये किचन में आ गई हूँ फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊँगी प्याज के पराठे। ये मैंने प्याज ग्राइंड कर लिए हैं और इसमें मैंने हरा धनिया डाला है, अदरक डाली है, हरी मिर्च डाली है और ये मैंने नमक डाल दिया है इसके अंदर। अब मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। रेड चिल्ली नहीं डालूँगी क्योंकि ग्रीन चिल्ली डाली है, हम ज़्यादा नहीं खाते हैं मिर्च मसाला। तो आज मैं ये प्याज के पराठे बनाने वाली हूँ, अब देखो मैं कैसे बनाऊँगी ये, आप भी बना के देखना। प्याज के पराठे ऐसे अदरक वगैरह डालकर बहुत टेस्टी बनते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे भी ये, और देसी घी में बन जाएँ तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है। मैं हमेशा ही देसी घी लगाती हूँ, रिफाइंड वगैरह कभी भी यूज़ नहीं करते हैं हम, या सरसों का तेल या देसी घी, पहले मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। और ये मेरे पराठे बनके तैयार हो गए हैं, अब मैं हमने खा लिया है खाना खा लिया, उसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ। तो पराठे वगैरह साथ है क्योंकि नमकीन होते हैं, नमकीन के साथ तो दूध नहीं लेना चाहिए, ये मैंने दूध बना रही हूँ अब मैं, उसके बाद ही ब्रेकफास्ट के साथ, हम चाय वाय के साथ नहीं करते ब्रेकफास्ट। वैसे गर्मियों में हम दही लेते हैं, सर्दियों में हम दूध लेते हैं ब्रेकफास्ट में, उसके बाद साथ साथ में ये चिमनी रोज़ाना ही गंदी हो जाती है, इसको साफ़ कर देती हूँ मैं। ये शाम का टाइम है फ्रेंड, हमने चाय पी थी तो अब ये चाय के ही बर्तन हैं, शाम का टाइम है, खाने डिनर का टाइम नहीं हुआ है अभी, डिनर का टाइम होगा तब डिनर बनाऊँगी। अब ये थोड़े से बर्तन हैं, इनको साफ़ कर देती हूँ, साथ के साथ करती ही रहती हूँ ताकि ज़्यादा ज़्यादा दिखने के बाद, तो मुझे बर्तन मेरे से ना साफ़ नहीं किए जाते, ज़्यादा सिंक भरा हुआ हो तो, इसलिए मैं साथ साथ ही करते रहती हूँ, जितने एक एक बर्तन होते हैं उनको साफ़ करते ही रहती हूँ मैं। और फ्रेंड्स चलो आज के ब्लॉग का यहीं पर ही कर देते हैं एंड, और प्लीज़ कमेंट करते रहना और सपोर्ट करना प्लीज़ मुझे, और जो नए हैं मेरे लिए वो मुझे सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करो फ्रेंड, और कमेंट करके बताया करो मुझे कि मैं कैसे कैसी वीडियो बनाती हूँ। अगर आपको कुछ कमी लगती है तो प्लीज़ ज़रूर बताया करो आप मुझे ताकि मैं सुधार करूँ कुछ, तो पूरा सपोर्ट करना प्लीज़, लाइक कमेंट्स और शेयर कर दिया करो प्लीज़, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, मुझे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों से सपोर्ट करो मुझे, आप सबके सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप के बगैर तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी, कहते हैं ना अकेला चना तो भाड़ भी नहीं फोड़ सकता, वही बात है, अकेला इंसान तो कुछ भी नहीं कर सकता। और फ्रेंड बाय, ओके बाय फ्रेंड, बाय बाय बाय।